गाइस सुबह के 5 बज गए हैं और मैं निकल गया हूँ अपने घर से, और ये मेरी गाड़ी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। साधु क्या घूमने के लिए सुबह के बज गए 5 और टाइम में चाय पी के फिर निकल जाते हैं घूमने के लिए। भाई घूम तो फाइनल दोस्तों हम आ गए बाडोली। बाडोली से अभी यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं, और अभी इस तरफ से हम जाएंगे उनई से फिर सापुतारा भी जाने की इच्छा है, लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से देखेंगे। और आप सभी का स्वागत है। और सूरत से हम निकले थे अभी सापुतारा जाने वाले, लेकिन अभी हम रुक गए उनई माता मंदिर। और ये पूरा पार्किंग वार्किंग है, गाड़ी वाड़ी हमने पार्क कर दी यहाँ पर, और सामने वॉशरूम भी था, वॉश भी हो गए, फ्रेश रेस भी हो गए। दोस्तों ये मार्केट की तरफ जाने वाला रास्ता है, जो अभी तक सुबह का पूरा मार्केट खुला नहीं है, लेकिन मंदिर का जो मेन गेट है उस तरफ का जो ये रास्ता है। मंगल भवन दोस्तों, ये है उनई माता का मंदिर। और यहाँ पर अभी सुबह के टाइम में सब साफ सफाई ऐसा चल रहा है, और पब्लिक भी अभी थोड़ी कम है, क्योंकि अभी हम बहुत जल्दी आ गए थे, मॉर्निंग का टाइम था। और अंदर हम आपको जाके दिखाएंगे कि मंदिर का व्यू कैसा है, और भी बहुत कुछ है। यहाँ पर साइड में एक गर्म कुंड भी है, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा वीडियो आप आगे देखते रहना दोस्तों, बहुत कुछ और भी देखने जैसा है। ये गर्म कुंड है दोस्तों, जो जब भगवान श्री राम वनवास के लिए निकले थे, तो यहाँ पर जो ऋषि मुनि थे उनको कुछ बीमारी के हिसाब से वो जी रहे थे, तो भगवान श्री राम ने ये इसका गर्म पानी की व्यवस्था की थी। और आज भी मतलब यहाँ पे कोई बीमार आ जाता है तो ये उस पानी में नहा लेता है, तो उसकी पूरी बीमारी ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही यहाँ के लोगों की मान्यता। और बहुत ही अच्छी चमत्कारी स्थान है, और ये पानी गर्म ही रहता है, ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है, बहुत बड़ा कुंड है दोस्तों। मंदिर के दर्शन करके आ गए हम अभी बाहर, और ये पूरा मतलब बाजार साइड है, तो मंदिर के दोनों तरफ बाजार लगता है दोस्तों, जहाँ पे आपको एक तरफ नाश्ता पानी खाने पीने की सारी व्यवस्था मिल जाएगी, और दूसरी तरफ ऐसा कुछ खेलने वेलने मोबाइल के शॉप वॉप ऐसा कपड़े वपड़े की इस टाइप का पूरा का मतलब बाज़ार है, तो आप बाज़ार भी एंजॉय कर सकते हो। बाज़ार में आपको कुछ लेना वेना है, साफ आप है, खिलौने वलौने इस टाइप का बच्चों के लिए,
तो वो पूरा बाज़ार, अभी तो मॉर्निंग टाइम है इसके लिए बाज़ार पूरा खुला नहीं है, लेकिन बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है, आपको हर चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था मिल जाएगी, आपको छोटे मोटे आइटम जो भी चाहिए वो पूरा पूरी आपको व्यवस्था के हिसाब से आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी मॉर्निंग टाइम में बहुत ही ज़्यादा पब्लिक नहीं है, क्योंकि हम बहुत सुबह बहुत जल्दी आ गए, क्योंकि हमें और भी आगे लॉन्ग जाना था इसके लिए। लेकिन फिर भी दुकानें, अमुक दुकानें खुल चुकी है, आप मार्केटिंग कर सकते हो, और नाश्ता पानी के लिए भी पूरी की पूरी इधर उस साइड में पूरा नाश्ता पानी का है, और इस तरफ पूरा ये रिटेल शॉप इस टाइप का है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों अभी हम नाश्ते के लिए हम रुक गए हैं, और नाश्ता वास्ता लिया, जैसे खमन और चाय वाय ऐसा कुछ नॉर्मल नाश्ता लिया है, क्योंकि अभी हमें ड्राइविंग भी करनी है, मॉर्निंग की टाइम था इसके लिए हम घर से भी कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता करके निकले हुए थे। और ये मतलब हम थोड़ा उन्नई माता के मंदिर से आगे चल के कब मैं हाईवे पे होटल थी उस होटल पे रुके, वहाँ पे थोड़ा नाश्ता वास्ता करके फिर अभी हम आगे निकल जाएंगे। वगई है यहाँ पे, मैं हमने बातचीत की तो पता चला कि यहाँ पर आके वगई और वास्ता है, वो भी देखने के लिए, और बहुत ही अच्छा मतलब झरना अरना गार्डन आर्डर और ऐसा दो दो दे पानी का जंगल में बहुत ही देखने के जैसा है। तो अब हम वहाँ पर भी जाएंगे होटल वाले से जैसे कि बातचीत और हमें पता चला, तो फिर वहाँ पर आगे चल के हम आगे और जर्नी अपनी शुरू करेंगे। ये जो होटल थी, होटल आप भी कभी आओ तो ज़रूर यहाँ पर रुकना, होटल श्री साई कृपा बाबा भी एकदम नॉर्मल है, और नाश्ता भी आपको मिल जाएगा, खमन ढोकला ओकला ऐसा कुछ गुजराती हुए अपने रेगुलर इस एरिया में जो चलती रहती है नाश्ते की। और आपको और भी कुछ आइटम चाहिए छोटी मोटी तो वो भी आपको मिल जाएगी। ये भाई इस होटल का ऑनर है, और इन्होंने हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, और बहुत ही अच्छा मतलब हमें आगे की जानकारी मिली। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अभी आगे। तो आगे चल के दोस्तों अब हम पहुंच गए थे पद्म डूंगरी, और जो पद्म डूंगरी अपने वास्ता से थोड़ा आगे आओगे तो आपको पद्म डूंगरी देखने को मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा घूमने की जगह, जंगल के अंदर पूरा मतलब ये गार्डन बनाया गया है, और साइड में एक नदी भी है, जो नदी के अंदर आप नहा वहा भी सकते हो, और यहाँ पर भी आपको खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी। लेकिन पूरा ये मतलब नए तो आजू बाजू आपको और भी कुछ ज़्यादा दुकानें मिलेगी, लेकिन नाश्ता पानी की आपको दुकानें मिल जाएगी। वैसे आपको और कुछ चाहिए तो आप 3-4 किलोमीटर दूर एक गांव है, गांव से भी आपको लेके फिर आ सकते हो। यहाँ पर आपको हमारा 30 रुपये कुछ चार्ज लिया था बाइक पार्किंग का, और एक पेशेंट अंदर जाने के लिए कुछ 40-30 ऐसा करके हम दो जने थे, मतलब 110 रुपये जैसा हमारा चार्ज बना था। इस टाइप का अंदर बच्चों को खेलने के लिए सब बना हुआ भी है जो चार्जेबल है, 50-70 रुपये नॉर्मल चार्ज है, कुछ ज़्यादा हेवी नहीं है, और बच्चों के लिए भी एक अच्छा ही है खेलने वेलने के लिए। और नदी भी है पीछे हमको, जैसे कि वो भाई बाहर बोल रहे थे, हम अंदर आके जाएंगे और देखेंगे, और आपको भी वीडियो पे बने रहेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा क्या मतलब इस आप भी कभी आओ तो आपको पूरा मतलब जानकारी हो कि यहाँ पर कितना क्या घूमने जैसा है हमारा क्या कल्चर थोड़ा, लेकिन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप इधर आके मतलब फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हो सब जगह। चलो आगे, और तो दोस्तों आज 2 दिन की छुट्टी भी है, रविवार और सोमवार, इसके लिए थोड़ी पब्लिक ज़्यादा भी है, पब्लिक इतनी है नहीं यार, क्योंकि त्यौहार भी है रक्षाबंधन का इसके लिए,
लेकिन हम तो इधर देख सकते हो। वाओ वाओ, व्हाट अ शॉक, व्हाट अ सरप्राइज, माय गॉड। दोस्तों क्या, हाँ भी दोस्तों, मैं एकदम चार के ऊपर चढ़ गया हूँ क्योंकि यहाँ पे चढ़ने के लिए व्यवस्था पूरी की पूरी लोगों ने बनाई हुई रखी है। ये देखिए, आप ऐसे चढ़ के मतलब चार पे आ सकते हो यहाँ पे, और ये पूरा वायरिंग है, मतलब यहाँ से जो बोलते हैं एकदम लटक के चले जाते हैं वहाँ से, और वहाँ से क्या बोलते मुझे नहीं पता। खैर ये अच्छा लगा, और यहाँ पे सब बंद है, पब्लिक इतनी नहीं है, लेकिन हम ये क्या है दोस्तों, हमें आदिवासी ऑयल बनाने की जो जड़ी बूटी है वो जड़ी बूटी मिली है। और यहाँ पे बहुत सारी आप देख सकते हो, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं, ये वही जड़ी बूटियाँ जो आदिवासी ऑयल में यूज होती है और मर्दों के लंबे लंबे बाल बनाए जाते हैं। खैर हमारे तो लंबे हैं ये, अभी हम चलते वापस नीचे। और ये देख सकते हो मैं इतना ऊपर चढ़ा था सीढ़ी के माध्यम से, मेरा भाई फ़ोन में बहुत बिजी है लेकिन इधर नेटवर्क नहीं आता। फिर भी ये देखो, यहाँ पे मैंने बोला था ना वो जीप लाइन वाला, 100 रुपये चार्ज है वन राइड का आने जाने का। मैं खुद बहुत दिन के बाद आया हूँ इधर, लेकिन यार लेकिन हमें यहाँ पर सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि कभी भी जंगली जानवर यहाँ बाहर आ सकते हैं। और हम तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं अभी आ गया हूँ नदी की तरफ, और पूरा का पूरा एकदम नज़ारा कुछ एकदम अलग ही नज़ारा, शानदार नज़ारा है, एकदम शांत वातावरण में कुछ हट के। मैं बोलता हूँ एकदम आप इस जगह पे ज़रूर आए, आप पीछे देख सकते हो बहुत मतलब तेज़ी से पानी बह रहा है। लेकिन जब मैं 10-12 साल पहले यहाँ पर आया था तब बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, और बहुत मतलब पब्लिक इतनी थी कि हमें नहाने के लिए भी टाइम नहीं था, और नहाने के लिए भी मतलब यहाँ नहीं, वहाँ साइड में नीचे जाके इतना दूर जाके हमें नहाना पड़ता क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। लेकिन सिस्टमों को कुछ ज़्यादा ही बदलने के कारण आज यहाँ पर पब्लिक आना कम हो गए, और पब्लिक आज देख सकते हो गिने चुने हैं सिर्फ मेरे जैसे नमूने, और हमारे जैसे बंदे यहाँ अभी आगे बाकी। तो ताकि एक टाइम था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक हुआ करती थी, लेकिन यहाँ तो कोई बच्चा भी नहीं दिख रहा भाई यार। ये नदी का हमने जो 110 रुपये चार्ज दिए उसका हम पूरा का पूरा आनंद उठाएंगे। हम इसके अंदर अभी नहाने जाएंगे, लेकिन नहाऊं क्या, नहीं नहाते, छोड़ो दोस्तों, देखते हैं अभी। और मेरा भाई बहन ने मूत्र विसर्जन कर चुका है, अभी वो भी नीचे आने वाला है। बहाव बहुत ज़्यादा है और पानी भी ठंडा है दोस्तों, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पर, वातावरण है और पानी है बहुत ही अच्छा और ठंडा पानी है। लेकिन मैं नहा भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास चटी डी नहीं आए मेरे साथ में, लेकिन मैं आनंद जरूर लूँगा इस पानी का। ओह माय गॉड, वेरी चिल्ड पानी, मुझे नहाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जो मैंने 110 रुपये बार चार्ज दे दिया है उसका मैं पूरा पूरा आनंद लूँगा। मैं अपनी टोपी लेकर मैं कहता हूँ
और अभी हम वापस जाएंगे ऊपर की तरफ। नाने का तो मज़ा नहीं आया क्योंकि अकेले में नाना अच्छा नहीं लगता यार, कम से कम थोड़ी पब्लिक हो तो मज़ा भी आए, हम उनका देखे वो हमारा देखे तो अच्छा लगे। खैर अभी हम चल दिए वापस ऊपर की तरफ। इधर आपको दोस्तों नाइट रुकने के लिए रूम भी मिल जाएंगे, एसी वाले रूम, नॉन एसी रूम जिसका चार्जेबल 800 रुपये 1000 रुपये ऐसा कुछ चार्ज है, मैंने बोर्ड पे देखा था क्योंकि बुकिंग स्टोर में कोई भाई तो था नहीं कि उससे बातचीत करूं, लेकिन ये इस तरह से आपको नाइट होल्ड करना है तो आप रूम भी ले सकते हो, लेकिन आपको खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगी, वो आपको लेकर ही आना पड़ेगा बाहर से। और इधर कोई आजू बाजू कोई दुकान नहीं है, हाँ है नॉर्मल नाश्ते पानी जो बेल वेल इस टाइप के बनाते हैं, लेकिन वो भी रात को के समय में आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए आपकी व्यवस्था पूरी की पूरी करके आना। लेकिन आपको रूम वूम यहाँ पर आपको मिल जाएगा और कुछ इस तरह से आपको नज़ारा जो व्यू आएगा पूरा जंगल जैसा एकदम अंदर बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, वैसे तो वीडियो अभी और लंबा है ज़रूर देखो आप पूरा, लेकिन आप कभी भी आओ तो बहुत ही अच्छा और सुपर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। हम यहाँ से अभी थोड़ा बाहर जाएंगे और गांव में जाके हम यहाँ पर कैंपिंग करेंगे और हमारा आज का नाइट इधर ही रुकने का इच्छा है, जैसे हम कैंपिंग वैम्पिंग करके यहीं रुक जाएंगे या फिर या बाहर जाके देखेंगे कहीं होटल वोटल मिल जाए सस्ते में तो वहाँ रुक जाएंगे, नहीं तो फिर हमें यहाँ पर कैंपिंग तो करना है ही है। और कल फिर हम निकल जाएंगे सापुतारा के लिए, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों इस तरह से आपको ये सब रूम मिल जाएंगे, रूम का भाड़ा 800-1000 रुपये, लेकिन हम यहाँ रात रुक नहीं सकते क्योंकि पूरा मतलब और कोई ज़्यादा पब्लिक तो है नहीं, सिर्फ हम खाली 2-3 जने रुके में मज़ा नहीं आएगा, कुछ पब्लिक हो साथ में तो फिर क्या रात को एंजॉय भी हो, नाच गाना इस टाइप का होता रहता है, लेकिन अभी पब्लिक इतनी नहीं है तो इसे रात का पूरा महोत्सव जो रहता है वो इतना नहीं रहेगा, इसके लिए हम बाहर जाएंगे, बाहर ही कुछ अच्छी जगह देख के कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे और नाइट मतलब हमारा इधर ही रहेगा। और कल हम सुबह मॉर्निंग जल्दी निकल जाएंगे सापुतारा के लिए और सापुतारा हमारा लास्ट रहेगा, उसके बाद हम रिटर्न वापस सूरत निकल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है। और भी जैसे मैं आपको आगे बता दूं कि मैं जॉब भी करता हूं और जॉब के साथ साथ जब कभी मुझे टाइम मिलता है मैं व्लॉग बनाने के लिए निकल जाता हूं और इसी तरह का आपको नज़ारा देखने को मिल जाए। ये मेरा पार्टनर है, भाई बहन हम दोनों साथ में, और भी हमारे साथ में 3-4 बंदे हैं लेकिन सबका ग्रुप है अलग अलग। और अभी हम पूरा बाहर आ गए दोस्तों, अंदर से बाहर आने के बाद इस तरह का आपको पार्किंग वार्किंग जो व्यवस्था मिल जाएगी, कोई तकलीफ नहीं है। एक मिनट जो इस तरह से आप बाहर आके मतलब यहाँ पे देखो जो सामने दिख रही है छोटी मोटी 3-4 दुकानें बस वही है, बाकी और पूरा जंगल है, आपको और भी कुछ ऐसा कुछ मिलेगा नहीं दोस्तों। तो आपको वीडियो आई होप अच्छा लगा होता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और और रास्ते में हमें मिल गए मारुति नंदन, इनके साथ भी थोड़ा कुछ नाश्ता पानी इनको दे के फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं और हम अच्छी जगह देख के अभी कैंपिंग कर देंगे और कल निकल जाएंगे सुबह मॉर्निंग सापुतारा के लिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।